होगा मेरे साथ, जंतर मंतर और अंतर। जी हाँ, जंतर मंतर और अंतर हम इसलिए कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जिस तरह से जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर पहले राजकुमार सैनी और उसके बाद जाटों ने आज प्रदर्शन किया, क्या इससे कोई अंतर आने वाला है? जाट आरक्षण का सियासी आईना क्या है, उसे आज दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कुपित क्रोध और क्रांति, संयंत भाषा और जातीय परिभाषा का सियासी पैमाना जंतर मंतर पर आरक्षण की ओट में सर झुकाए हैं। मांग और पूर्ति के इस नियम में लड़ाई आरक्षण के लिए लड़ी जा रही है, तो आरक्षण के घूंघट में सियासतदान मुंह छिपाई का खेल खेल रहे हैं। आरक्षण के चक्रव्यूह में सियासी व्यू रचना का विश्लेषण करें तो फायदा संख्या के सियासी मेल से जुड़ा है। हरियाणा न्यूज आज जाट आरक्षण की सियासी परिभाषा को आपके सामने रखेगा। भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत और भारतीय लोकतांत्रिक सियासत सच क्या है, आज हम आपको बताएंगे। भारतीय संविधान ने सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ों के लिए विशेष उपबंध बनाने का हक दिया है, लेकिन एक सच ये भी है कि कई बार इसी संविधान को आधार बनाकर जातिगत राजनीति की दौड़ लगाई जाती है। कभी आरक्षण की आग में उम्मीदें खाक हो जाती है, तो कभी आरक्षण को ही आग के हवाले कर दिया जाता है। पूरा खेल लोकतंत्र का है और लोकतंत्र जनता का। ओबीसी कोटे के 27 फीसदी वाले आरक्षित समंदर में जाटों को शामिल किया जाता है या नहीं, ये तो फिलहाल साफ नहीं। लेकिन आज जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जुटे जाट एक स्वर में आरक्षण के नारे लगा रहे थे। जाट चेतावनी रैली का ये नजारा मोदी सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। जाट संगठन जाट आरक्षण की मांग को लेकर अड़िग हैं, तो पिछड़े वर्ग का सिपाही भी अपनी कमर कसे हुए है। राजकुमार सैनी ने साफ ऐलान किया है कि अगर जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाता है तो वो इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, वो तो आज से नहीं, वो तो पहले से कर ही रहे हैं, लेकिन हम किसी की गलत बयानबाजी ना करके हम तो ये कहते हैं, अगर रिजर्वेशन में किसी तरह का कोई मिसमैनेज हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो फैसला तथ्यों पर आधारित है, जिसको पिछड़ा वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इससे छेड़छाड़, बरवाला जी ने बयान दिया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी पार्टी की तरफ से, वो तो बरवाला जी करें, उसके मैं थोड़ी चैलेंज कर सकता हूँ, वो पार्टी के अध्यक्ष। संवैधानिक और असंवैधानिक मांग का ये सियासी प्रारूप आंदोलन को जन्म दे चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जातीय आधार पर जाट समुदाय को आरक्षण देना जायज होगा? हरियाणा न्यूज आज सियासी आईने से आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि जाट आरक्षण की ये मांग कितनी जायज है। देश में जाटों की गिनती संपन्न किसानों के रूप में होती है। जाट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी सक्षम है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी उतनी नुमाइंदगी नहीं है। उच्च शिक्षा के मामले में भी जाटों की स्थिति पिछड़े वर्ग जैसी ही है। एनसीबीसी ने भी अपने सुझाव में जाट आरक्षण की मांग को असंवैधानिक करार दिया था। आयोग ने जाट आरक्षण के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करना ठीक नहीं होगा। एनसीबीसी की दलील थी कि जाट ना तो सामाजिक और ना ही आर्थिक या अन्य किसी लिहाज से पिछड़े हैं, ऐसे में केंद्रीय स्तर पर उन्हें ये सुविधा देना गलत होगा। ये वो तमाम तथ्य हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण अधिसूचना रद्द की। सियासी आईने से जाट आरक्षण को देखने की कोशिश करें तो एक तथ्य ये भी है कि संविधान केवल जातीय आधार पर आरक्षण की बात नहीं करता। बहरहाल, एक ही जगह से एक ही मुद्दे को लेकर अलग अलग स्वर निकले हैं, पहले पिछड़ा वर्ग और अब जाट संगठन। किसकी मांग कबूली जाती है और किसको निराश किया जाता है, ये आने वाले भविष्य में साफ हो जाएगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा कोई भी हो, लेकिन सियासी रोटियां जरूर सेकी जा रही हैं। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना सियासी खेल खेल रहे हैं।
बहरहाल समझने और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जंतर मंतर की इस लड़ाई से कितना अंतर आएगा। मेरे साथ हैं अनिल आर्य, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है। दिनेश अग्रवाल जी हैं इनेलो से, नमस्कार जी। जाट नेता हैं हमारे साथ आजाद सिंह पवार, आपका स्वागत है आजाद जी। सुनीता दुग्गल भी हैं हमारे साथ बीजेपी से, नमस्कार। राजकुमार सैनी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी सांसद हैं और इस आरक्षण को लेकर अपनी नाराजगी भी जताते आए हैं, उनसे बात करेंगे, सीधा हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार हम जाना चाहेंगे आजाद सिंह जी के पास। आजाद जी, आज जो पूरा वहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ है, वो किस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया, किस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया? हमने प्रोटेस्ट तो अपनी जायज सी मांग है कि हमारी जोत छोटी होगी आर्थिक रूप से। हम उस वर्ग में आहिस्ता ऐसी परिस्थिति है कि यदि अब आरक्षण नहीं दिया, दे के सपोर्ट नहीं दी गई, ये तो ऑक्सीजन जैसा है, नहीं दी गई तो इतना बड़ा जो किसान खेती करने वाला वर्ग है, हाँ, वो इतने निचले धरातल पर चला जाएगा कि 50-60-70 साल में भी ऐसी कैटेगरी के लोगों को आज तक, मतलब ये इस सरकार के प्रयत्नों के बावजूद अभी तक गरीबी रेखा से नहीं निकाल पाए हैं। और ये इतना बड़ा वर्ग जो है गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा, इस देश के लिए बहुत बड़े संकट की घड़ी आने वाली है। और जो जाति इस देश को 25% सैनिक देती रही है, जो इस देश का पेट भरती रही है, नहीं, आरक्षण के आधार पर होना, हाँ, मैं वही तो समझने की, हमारी जोत ऐसे तो कोई भी आरक्षण, हमारी जोत छोटी होगी। हमारे पास दो साधन होते थे, हाँ। बेसिकली हमें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, क्यों? क्योंकि भाई मतलब किसान का जाट का बच्चा, किसान का बच्चा खेती करनी है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है? और मतलब जहां तक फौज पुलिस में जाना है तो 5वीं 7वीं पास बतेरा, उसकी भी जरूरत नहीं है, 8वीं तक बतेरा, आगे 10वीं तक बतेरा, इससे फालतू जरूरत नहीं। ये तो एक आपकी सोच है ना? नहीं, मेरी सोच नहीं है, हाँ। वास्तविकता है, तो सोच है वो, नहीं, हमारी वास्तविकता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मतलब ये है कि आईएएस में, आईपीएस में, फॉरेन सर्विसेज में, कितने हमारे पार्लियामेंट के, आप ये आंकड़े निकाल के देख लीजिए, पहली पार्लियामेंट में हमारे कितने थे, दूसरी पार्लियामेंट में कितने थे, तीसरी पार्लियामेंट में कितने प्रतिनिधि थे। तो हमारी शिक्षा नहीं रही है, हमारी सहभागिता नहीं रही है, हाँ। उस पदों में नहीं रही, प्रशासन में नहीं हमारी हिस्सेदारी, हाँ। इसलिए आरक्षण जरूरी है, हमारी मजबूरी है, रोटी के लिए जरूरी है हमारे लिए, आरक्षण रोटी के लिए जरूरी है। जो तर्क ये दे रहे हैं, इनके तर्क से कितना सहमत है आप, ये बता दीजिए कि या तो हमारी जोत छोटी ना हो, जमीन एक्वायर कर करके ये गुड़गांव जमीन एक्वायर कर ली, हमारी तो मजबूरी है कि हमारी जोत इतनी छोटी होगी कि हमारा परिवार का गुजारा नहीं होता। दूसरा सारा ये है कि अगर रिजर्वेशन में ये भी ऑक्सीजन है ये लग जाए तो मतलब हो सकता है कि नहीं। अजय सिंह जी, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि आपको पढ़ने से रोका किसने, और आपको किसने रोका पढ़ने से, क्या बच्चों को मत पढ़ो? हमारी काम की परिस्थितियां इस तरह थी, ऐसा कुछ नहीं। आप सुन लीजिए अजय सिंह, आपने बोले, आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 40 साल पहले, साल दर साल सामाजिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, आपकी सोच, सभी समुदायों की, चाहे वो जाट समुदाय हो चाहे दूसरे समुदाय हो, सभी समुदायों की सोच बदली है। और आपके वर्ग में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, हरियाणा में आपके वर्ग के जो लोग हैं वो सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, और बाकी चीज़ों में देखें तो ऐसा नहीं है कि पिछड़े हों। हाँ, जो व्यक्ति, जो जाट पूरी तरह से सिर्फ खेती पर निर्भर है, और वो भी खेती पर, वो एनसीआर को छोड़ दीजिए, उन जगहों में चले जाइए जहाँ जमीन बहुत उपजाऊ ना हो, हम रिमोट की बात करें वहाँ तो माना जा सकता है, लेकिन हरियाणा में जमीन उपजाऊ नहीं है ऐसा भी नहीं है। आप जोट छोटी की बात कर रहे हैं कि जोट आपकी छोटी होगी, मान लिया जोट आपकी छोटी होगी, लेकिन ये परिस्थिति आज अचानक नहीं उभरी है, ये पहले भी रही है, हाँ। और आय के साधन पहले से बढ़े हैं, सब कुछ बढ़ा है, फिर आखिर ऐसी क्या वजह आ गई, आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि आज इतने अग्रेसिव ढंग से आप जाट आरक्षण की बात कर रहे हैं? आधार पे कह रहे हैं कि आय के साधन बढ़े हैं, कौन कहता है आय के साधन नहीं? मैं कह रहा हूँ कि घटे हैं, कमाल कर रहे हैं, हमारे घटे हैं, नहीं घटे, हमारे घटे हैं इस देश में, अगर आपके हमारा घटे खर्चा बढ़ा है, महंगाई बढ़ी, सुनिए, देखिए सबका बढ़ा है। आप मेरी बात सुनिए, मेरा अनाज का भाव जो है सरकार सपोर्ट प्राइस देती है, किसी प्रोडक्ट का, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, किसी भी बायो प्रोडक्ट का सरकार दर निर्धारित नहीं करती, अपनी मर्जी से करती है। एक बात, किसी दुकानदार का सरकारी को रेट एजेंसी से होलसेलर का कमीशन में दे के आ जाते हैं, उसकी एक रेंज दे देते हैं, मैक्सिमम। सुनीता जी, क्या कहना है आपका प्राइस ये?
देखिए हमारी जो पार्टी है उसका बिल्कुल स्पष्ट जो है उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है कि वो उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपनी बात रखी है, तो हमारी तरफ से तो हमें जो है हम उच्चतम न्यायालय में जब बात रखी है तो हमारी तरफ से इस तरह का कोई मैसेज नहीं है कि हम जो है इन जाट भाइयों को सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी में ही दो मत उभर कर सामने आ रहे हैं। राजकुमार सैनी कुछ और कह रहे हैं, आपके जो जाट नेता हैं, आपकी पार्टी के जाट नेता अगर मैं कहूँ तो वो कुछ और कह रहे हैं, तो दो मत तो साफ ही दिखाई दे रहे हैं। इसमें नवजोत जी ये है कि अगर सैनी जी कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल राय है और उसके बारे में जैसा कि आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जैसा कि उन्होंने अभी खुद भी ये बात कही है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला जी, तो उन्होंने भी ये बात स्पष्ट की है कि हमारी नजर जो है वो उन पर है और वो जो भी वो बात कहते हैं वो उसका संज्ञान जो है वो पार्टी ले रही है। उन्होंने पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिया, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ स्टैंड लिया, क्या पार्टी हाई कमान ने उनको अभी तक कोई कारण बताओ नोटिस कोई स्पष्टीकरण मांगा है उनसे? देखिए हमारे जो प्रदेश के सबसे बड़े जो है वो अध्यक्ष जो है वो माननीय सुभाष बराला जी हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम जो है सैनी जी के बयानों पर नजर रखे हुए हैं, तो इसका मतलब संज्ञान वो ले रहे हैं और उनके ध्यान में है वो जो भी बात कह रहे हैं। सुनीता जी, नजर रखना अलग चीज है जी, नजर रखना इतने बयानों के बाद एक जवाब मांगना, जवाबदेही तय करना। एक और नजर, सैनी ये कह चुके हैं कि मेरी जान को खतरा है। हाँ, अगर आपका सांसद ये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है इस मुद्दे को लेकर, इसके बावजूद बयानबाजी जारी है, आपकी पार्टी कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई स्पष्टीकरण कुछ नहीं कर रही, इसका मतलब ये माना जाए कि आपकी पार्टी में ये अंदरूनी मुख सहमति है कि सैनी जी अपनी बात करते हैं। हमारे जी ऐसी बात नहीं है, हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी ये बात स्पष्ट की है कि हम जो है जहां तक संभव है हम अपने जाट नेताओं के साथ हैं, हम अपने जाट भाइयों के साथ हैं। चलिए एक बार दिनेश जी से बात करें, राजकुमार सैनी का रुख करेंगे, फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार सैनी जी। दिनेश जी क्या कहना है? देखिए नवजोत जी, एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से अभी बात आई कि जोत घट रही है, आप पिछले 1.5-2 महीने से लगातार आपने किसानों की दुर्दशा को लेकर लगातार आपने आवाज उठाई और उसमें एक बात यह भी निकल कर आई कि पहले जो 10 साल जो सरकार चली उसमें 2-2, 3-3 रुपए के चेक बटे और इस सरकार ने एक शुरुआत करी, उन्होंने कहा जी हम कम से कम 500 रुपए का चेक देंगे। ये मिनिमम 500 रुपए के चेक की बात क्यों आई? ये इसी आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। मिनिमम 500 रुपए के चेक की बात इसलिए आई क्योंकि सरकार को भी इस बात का पता था कि किसान की जोत घटी है, एक परिवार में शायद 1 एकड़ जमीन बची है और उसके घर में 10 बच्चे हैं। अगर आप उनको 10 बच्चों को अगर आपने चेक दिए 100-100 रुपए के, 50-50 रुपए के, तो तुम्हारा भी मजाक कांग्रेस की तरह उड़ेगा, इसलिए इन्होंने मिनिमम 500 की बात की। लेकिन वो मिनिमम 500 ये बताते हैं कि किसान की जोत वास्तव में घटी है, किसान कर्जे के तले किसान कर्जे के तले दबा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जोत घटी मान लिया, लेकिन अगर आरक्षण देना है उनको आगे लेके आना है तो बजाय जात के आधार पे आर्थिक तौर पे जो आर्थिक तौर पे कमजोर है, जो बात आजाद सिंह जी कर रहे थे कि आय के साधन घटे हैं, अगर मैं इनकी बात से मान भी लूं तो जो लोग आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनका आरक्षण क्यों ना दिया जाए, चाहे वो जाट समुदाय के लोग हो चाहे कुछ दूसरे समुदाय के लोग। ये तो इनकार किसी ने, हमने तो जाटों ने तो इनकार किया नहीं कभी इस बात, तो आप ये बात कही है ना। हाँ देखिए, तो आप ये कहिए जो जाटों में आर्थिक तौर पे कमजोर है उनको आरक्षण दिया जाए। आप रुकिए, आज तक जो आरक्षण दिया गया वो जाति आधार पर नहीं दिया गया क्या? तो इसलिए आप भी चाहते हैं कि जाति के आधार पर? हाँ। यदि मतलब ये है कि 50% जनता को जाति आधार पर आरक्षण दिया गया है, संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान बनाया हुआ है, तो हम संविधान के अनुरूप, संविधान के उसमें विधिक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, लेकिन हम अपने, एक मिनट, मैं संविधान की सीमाओं के अंदर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम कोई समय गए, एक मिनट सुनिए, जहां तक मतलब ये है कि आर्थिक आधार जोड़ने की बात है, आर्थिक आधार, ये जाटों को आरक्षण देना है, 1.5% जनसंख्या, सिर्फ 1.6% जनसंख्या इस देश की, अगर आरक्षण मांगने लगी तो आर्थिक आधार दिखाई देने लग गया, 50% लोगों को आरक्षण बिल्कुल दिखाई दिया। चलिए एक मिनट, राजकुमार सैनी सांसद हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। राजकुमार सैनी जी नमस्कार। आज जंतर मंतर पर जहां आपने पहले प्रोटेस्ट किया था इसी मुद्दे को लेकर, आज जाटों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया और फिर ये भी कहा कि हम इसके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, क्या कहना है आपका? और आप सुन रहे हैं यहां पर बैठे आजाद सिंह जी भी क्या कह रहे हैं?
राजकुमार सैनी जी, राजकुमार सैनी जी आप हैं मेरे साथ? राजकुमार सैनी जी आपको आवाज आ रही है? चलिए एक बार दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे राजकुमार सैनी से। जी आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे कि ये अभी, अजय सिंह जी आप ही से बात कर रही हूँ, आप कह रहे थे कि अभी जाटों को लेकर ही आर्थिक आधार पर बात क्यों हो रही है? बड़ा आत्मिक दुख होता है हमें कि आज तक 70 साल गुजर गए इस देश को, शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि हम फकर के साथ हम इस धरती पुत्र हैं, जो कि हम धरती पुत्र हैं, मतलब इस देश के ठेकेदार मालिक का ये कहते थे अगर हमें रक्षा का ठेका हमने ले रखा है और पेट भरने का ठेका हमने ले रखा है। आज हमें शर्म महसूस होती है कि 50% लोगों को सिक्योरिटी दे दी और कहीं कहीं पर 60 और 70% तक को तो सिक्योरिटी दे दी। उस वक्त तो किसी को ये दिखाई नहीं दिया कि आर्थिक आधार पर दे दिया जाए। आज हम 1.6% पॉपुलेशन को अगर जाटों को आरक्षण देना पड़ गया, जिसने सदा मजदूरी की है, जिसने सदा गोली खाई है, किसी ने पूछा कभी 25% सेना में मरते आज तक जितने सेना में जितने सीमा में लोग मरे हैं का, आप भाई साहब से पूछिए, राजकुमार से सैनी से पूछिए, किसी से पूछिए, इतिहास का रिकॉर्ड उठा के दे दीजिए, मरने वालों में हम सबसे ज्यादा है। सर्दी गर्मी लू खेत में के अंदर है, सांप काटते तो हमें काटते हैं, नुकसान प्रकृति नुकसान करती है, हमारा करती है, किसी दुकान में ताला बंद करके व्यापारी चला जाता है, फैक्ट्री का चौकीदार बार बार। लेकिन मुझे फिर भी आपकी बात देखिए, इमोशनली अगर हम बात करें सही है, लेकिन अगर फैक्ट्स पर बात करें, फैक्ट्स पर बात करें, माफ कीजिएगा, तो शायद आरक्षण की जो आधार है, आरक्षण का आधार, वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचकर ही तय होना चाहिए। और वहां जब ये सवाल उठता है कि आर्थिक आधार अगर ये हो कि जिसके आधार पर आरक्षण मिले तो क्या वो गलत है? आरक्षण का उद्देश्य क्या था? हाँ, जब आरक्षण दिया गया संविधान में और 10 साल के लिए दिया गया, वो ये था कि जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, बिल्कुल, जिनको जो आगे पिछड़े हुए लोग हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सामाजिक तौर पे, हर तरह से उनको आगे लाना, वो मौका नहीं मिलता, या जो किसी भी ढंग से आगे नहीं आ सकते, या जो दबे कुचले लोग हैं, अब उसके लिए ये पॉइंट्स रखने की, अगर हम पिछड़ा वर्ग को छोड़ दें, बाकी दूसरे वर्ग को आरक्षण दिया गया है, उसमें जो क्रिमिनल लेयर बन गई, एक व्यक्ति जिसको आरक्षण मिला, उसके बेटे को, उसके पोते को, उसके बड़पोते को, उसी को आरक्षण मिलता जाता है। आरक्षण का जो वास्तविक लाभ है वो अब तक नहीं पहुंचा। इस पूरे आरक्षण का जो सिद्धांत है, इसका रिव्यू क्यों ना होना चाहिए? अगर जाट आरक्षण के बहाने कोई बात उठती है, किसी बहाने उठती है, पिछले कांग्रेस सरकार ने तो 5 तो बदलाव होना चाहिए। सुनीता दुग्गल जी, कितना इम्पोर्टेंट है ये कि अब इसके जो बेसिस है वो बदले जाने चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? देखिए नवजोत जी, ये बहुत सोच समझ कर जो है आरक्षण जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितनी हमारी ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक भी सिर्फ इसी आधार पर कि सामाजिक तौर पर वो ऊंची नहीं है, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। अभी मैं आपको व्हाट्सएप में राजस्थान की घटना दिखाती हूँ, जिसके अंदर सिर्फ दलित जो है वो घोड़ी पे चढ़े हुए लड़कों को नीचे उतार दिया गया बड़े समाज द्वारा, क्योंकि वो दलित हैं। तो ये सामाजिक आधार है, इस आधार को भी हमें मद्देनजर रखना होगा। तो इसलिए ये है कि बहुत सोच समझ कर ये चीजें रखी गई हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, इस तरह के सभी आधार को लेकर जो है वो रिजर्वेशन दी गई है। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक बात है, तो इसमें जो हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, वो बहुत अच्छी तरह से सभी चीजों को, सभी तथ्यों को, सभी बातों को देख कर और उसमें जो भी ठीक लगेगा वो निर्णय देगी, और हमें उस निर्णय को सर्वमान्य करना चाहिए। सुनीता जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जी, पूरी तरह सहमत हूँ कि पिछड़े वर्ग के साथ, दलित समुदाय के साथ जो अत्याचार मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है जी, अभी महसूस करता हूं, अब भी हो रहा है जी। लेकिन ये कल की घटना है, राजस्थान में अजमेर की घटना है। आरक्षण का प्रॉब्लम कर रहा हूं, मेरा कहना ये है कि जिस परिवार को एक बार आरक्षण मिल गया और आरक्षण का लाभ लेके उसकी सामाजिक हैसियत या उसकी आर्थिक हैसियत आगे आ गई, उनके बच्चों को, उसके परिवार को मौका मिल गया बाकी मुख्य धारा में आने के लिए, तो क्या उस परिवार को फिर दोबारा आरक्षण दिया जाए? आरक्षण का जो वास्तविक लाभ था, जिन जातियों को दिया गया, अनुसूचित जातियों की बात करें, उनको भी नीचे तक उला पहुंचा ही नहीं है। आज भी दलित, महादलित, पिछला, महापिछला वर्ग, वो तमाम वर्ग तैयार हो रहे हैं। अगर जाट आरक्षण की बात की जा रही है, उसका मूल वजह भी यही है। अगर जाटों को पिछड़ा वर्ग में पहले आरक्षण में शामिल कर लेते तो शायद इस इश्यू नहीं खड़ा होता जो आज आप बात कर रहे हैं। अगर इसी ढंग से बात की जाए कि जाट समुदाय में भी जो लोग पिछड़े हैं, वास्तव में जो गरीब है, चाहे वो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, किसी भी ढंग से, किसी भी बिरादरी का हो, उसको आगे आना चाहिए। मैं छोटी सी एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जैसे इसमें आप क्या कहोगे, हो सकता है कि वो बहुत बड़े ऑफिसर हों,
लेकिन उनको सिर्फ घोड़े से इसीलिए उतार दिया गया क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करते थे। इस बात को आप क्या इस बात का आप क्या जवाब इस चीज को आरक्षण से जोड़ पाएंगे? मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं, इसीलिए जो है इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सामाजिक का आधार सिर्फ यही मैंने मान लिया। सामाजिक आधार इसीलिए रखा गया है कि जो मैं कह रहा हूं उस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। एक बात मेरी मैं स्वीकार कर रहा हूं। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जिस परिवार को आरक्षण मिल गया, अगर मान लीजिए मुझे आरक्षण मिल गया, मेरे बेटे को भी आरक्षण मिल जाता है, उसको आगे आरक्षण मिल जाता है, वो जो चीज है वो भी ठीक नहीं है। आप एक चीज देखिए, अभी आईआईटी के जो जेई मेंस के जो एग्जाम हुए हैं उसमें -25 जिनके अंक है उनको भी एडमिशन मिल गया, मतलब जीरो अंक जिनको मिल गया है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि एम्स में क्या हाल है कि वहां पर ये नोट कर लिया जाता है कि ये दलित बच्चे हैं और उन बच्चों को अगली क्लास में पास नहीं किया जाता। इसके भी मेरे पास व्हाट्सएप है, नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको सिर्फ इसीलिए 25 क्योंकि दलित है इनको पास ही मत करो ताकि वो आगे बढ़े ही ना। वो बात तो वही है। तो ये अंतर है, अंतर जब तक खत्म नहीं होगा इसीलिए सामाजिक क्यों रखा गया, सामाजिक शब्द क्यों रखा गया, सामाजिक शब्द सिर्फ इसीलिए रखा गया। बदलाव नहीं ला पाए, किसकी कमी है? तो ये बस ये समाज जब इस लेवल को दूर कर लेगा, समाज के तो हम सभी हिस्से हैं ना, हम सभी वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम सभी उसी समाज के हिस्से हैं। शायद उस बदलाव के लिए पहल सभी को करनी होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लेगी मुझे लगता है कि वो सर्वमान्य होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया फिर आपकी पार्टी आरक्षण की बात क्यों कर रही है? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक मिनट की बात है, वो तो लीगल रेमेडी का अधिकार संविधान के अंदर सबको संविधान में लीगल रेमेडी का अधिकार सबको है। रिव्यू हम कानूनी आधार पे रिव्यू डाली है सरकार ने और वो सबको अधिकार, उसमें कोई पार्ट नहीं। तो फिर आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे? मेरा सवाल ये, आप सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं वही बात करता हूँ कि 1947 से पहले की घटना बताता हूँ आपको। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का 1936 का फैसला है जिसमें जट्टों को गवार कहा गया है। जट्टों को मतलब ये है कि इसके वो कहा गया है ट्राइबल से भी नीचे कहा गया है, उसमें फैसले के अंदर लिखा हुआ है। एक बात राजस्थान के अंदर, ये तो पंजाब की बताता हूं आपको, राजस्थान के अंदर भरतपुर की रियासत जब जवाहर सिंह सूरजमल राजा हुआ, जी राजा थे वहां, वो जाट थे गलती से, और राजस्थान में राजपूतों का राज्य था। एक पुष्कर जी तीर्थ स्थान है, वहां पर सूरजमल को स्नान नहीं करने दिया उसका। एक मिनट, एक राजकुमार सैनी जुड़ गए, उन्हें इस चर्चा में शामिल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद और बताता हूँ, उसको वहां उसका बेटा वहां गया, वहां पर वो स्नान किया ना तो उसके साथ लड़ाई हुई और हजारों आदमी मरे। चलिए मान लेते हैं, एक दुर्भाग्य की बात, हमारी औरतों को कपड़े, हमारी औरतों को नाड़ा नहीं डालने दिया जाता था, मूंज की जेवड़ी डालते थे हमारे दामन में लहंगे में, हमारे राजपूत मजबूर करते थे। हमारे साथ शोषण नहीं हुआ, वो किसी ने नहीं देखा। मंडल आयोग ने हमें को बैकवर्ड माना, गुरु नानक सिंह आयोग ने हमें बैकवर्ड माना, वो किसी ने नहीं देखा। चलिए बेहतर है, राजकुमार सैनी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। राजकुमार सैनी जी, आज जाटों का भी प्रोटेस्ट हुआ आरक्षण के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर, आप लोगों ने भी वहां प्रोटेस्ट किया था, क्या कहना है कि अब इसकी अगली रणनीति क्या है? और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हद तक इस मुद्दे को लेकर चले जाएंगे चाहे कुछ भी कर गुजरना पड़े। मैं बता दूं, मेरे पास गेस्ट बैठे हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जी कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहें। लेकिन जो आज है वहाँ पे जंतर मंतर में बद्दी बद्दी गाड़ियां सुप्रीम कोर्ट सरकार और मुझे दी गई, वो आपके पास रिकॉर्ड है, उसकी सीडी आपके पास है। मैं ज्यादा कुछ ना, आपके पास रिकॉर्ड है, उसकी सीडी आपके पास है। मैं ज्यादा कुछ ना कह के इतना कहूंगा कि वो जो आरक्षण के नाराजगी थी, जो बैकवर्ड क्लासेज ने नाराजगी दिखाई, वो नाराजगी जंतर मंतर पे लोग दिखा चुके हैं। अब उसको बार बार कहने से मेरा कोई लॉजिक अलग से बचता नहीं है। कई बार आपसे इंटरव्यू हो चुका है और मैं यही बात कहूंगा कि अगर इस तरह से गाली गलौज जब भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लोग कहां तक की बातें वहां कही है, वो बात हमने भी वहां पर प्रोग्राम किया था, किसी के खिलाफ एक शब्द, और मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि जाटों को आरक्षण ना दिया जाए। मैंने ये कहा कि अगर जाटों को आरक्षण देना पड़ गया तो फिर सबको आरक्षण दो, ये
मैंने जाटों को आरक्षण देना पड़ गया तो फिर सबको आरक्षण दो, ये मैंने शब्द कहे हर बार कि अगर जातिगत संसद कराओ और सबको जितना जितना है सबको जातिगत बांट दिया जाए, और उसको बार बार कहने का कोई लॉजिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों पे आधारित सारी बात की है, अगर मैं उसको बार बार कहूंगा आप बार बार पूछेंगे उसका कोई लॉजिक नहीं बचता। जो जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे वो 100 संगठन आए हुए थे, अपना एनालिसिस और आज का आज के प्रोग्राम का एनालिसिस भी आपने कर लिया होगा, वो लोगों की सच्ची तड़प थी। ये एक प्रेशर की भाषा है, प्रेशर की भाषा को हम प्रमाण पत्र दिया जाता है, उनसे अपेक्षा की गई थी कि वो संविधान की गरिमाओं के अनुसार कार्य करेंगे। आपके वाणी का इस्तेमाल स्पीकर महोदय ने लोकसभा में उनको शपथ दिलवाई थी, उस वक्त भी उनको संविधान की गरिमाओं का ध्यान रखना था, उस वक्त भी उनने वो शपथ ली थी। वो सबके प्रति जो जवाब दे है वो किसी का दिया कर नहीं सकते, जातीय आधार के ऊपर सरकार को अधिकार है, अगर कोई बोलेगा सरकार की जिम्मेवारी है कि सभी नागरिक हैं, सभी देश के स्वतंत्र भारत के समानता का अधिकार सबको है, अपना अधिकार हक मांगने का कोई बुराई नहीं है, कोई मांग सकता है, सरकार से मांगते हैं। हमने कुछ भी छीनने के लिए नियमानुसार हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डाल ली है, उसके ऊपर किसी को ये कहने हम सरकार से क्या मांग रहे हैं। चलिए मुझे लगता है कि राजकुमार सैनी इस मुद्दे पर और ज्यादा बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने टीवी स्क्रीन पर देखा कि उन्होंने अपना माइक उतार दिया है, इसलिए और सवाल नहीं कर सकते। लेकिन सवाल मैं उनसे ये जरूर करना चाह रही थी कि सुभाष बराला अगर प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि मैं संज्ञान ले रहा हूं, उसके बावजूद वो अपनी बातों पर बरकरार हैं और वो देख रहे हैं, हम उनके तेवर भी देख रहे हैं, उनके तेवर भी दिख रहे हैं और आज वो ज्यादा सवालों के जवाब देने से गुरेज भी कर रहे हैं, तो ये सब क्या संकेत दे रहा है? मैं दुग्गल के पास जाऊं, पहले आपके पास आती हूं। जी कहिए, आप कुछ कह रहे हैं। मेरे को इससे बड़ी हैरानी मतलब ये है कि इससे बड़ा दुख की बात कोई हो नहीं सकती। एक जनप्रतिनिधि, वो जनप्रतिनिधि एक्ट की धारा 67 के तहत जब रिटर्निंग ऑफिसर उनको प्रमाण पत्र देता है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो संविधान की गरिमाओं का ध्यान रखेंगे। लोकसभा के स्पीकर जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है उस वो शपथ दिलाते हैं कि संविधान की गरिमाओं का ध्यान रखेंगे। क्या को मतलब ये कि वोट पड़ते हुए किए फोटो उतारे गए थे, वैसे जाट की वोट नहीं लेनी पड़े या और किसी की वोट नहीं थी, क्या वो नहीं पड़ी? एक बात, क्या उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले ये बलबीर सैनी जी सैनी नहीं है? वो क्या कहते हैं, कोई उनकी भाषा है ये? उनकी भाषा का कोई सीमा तो हो? अगर वे 35 जात एक पास 35 जात का नाम लेते हैं, वो तो अपनी जाति के भी थे, वो नहीं है। उनसे पहले एक और बताए, एक मिनट मैडम प्लीज। हरी सिंह सैनी हिसार से आर्य समाज के नेता है, एमएलए मंत्री रहे हैं, समाज में एक इज्जत है, हर जाट भी इज्जत करता है। अत्तर सिंह सैनी उसके बाप आशीष से एमएलए और चलिए मुझे 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 ब्रेक पर जाना है, क्विकली क्विकली अनिल आर्य से बात करेंगे, फिर श्रीदत्त से बात करेंगे। अनिल आर्य देखिए, ये इतने बड़े ठेकेदार कहां से आ गए? राजकुमार सैनी की जो भाषा है वो अपने बात पे अड़ी है, ऐसा नहीं कि कहीं वो बिल्कुल उसी में बात कर रहे हैं। उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी भी है, पद पे बैठे हैं, उनको मतलब ये शोभा नहीं देती। आजाद सिंह जी किसी भी पॉलिटिकल आदमी को कोई ऐसी बात शोभा नहीं देती जो संविधान के खिलाफ हो, चाहे वो जाट आरक्षण की बात को जाट लीडर करे, चाहे सैन्य आरक्षण की बात सैन्य नेता करे, वो तमाम के साथ है, सिर्फ अकेले राजकुमार सैनी की बात नहीं। सभी सभी की बात, सबको सभी सभी की बात, दूसरे के लिए वो गलत, उसको सभी की बात। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सुभाष बराला ने कहा कि संज्ञान ले रहे हैं, अमित शाह ने कहा कि हम देख रहे हैं, लेकिन कोई भी खुल के राजकुमार सैनी की आलोचना कोई नहीं कर पा रहा। उसके कारण तो नोटिस नहीं कर रहा है। ड्यूअल पॉलिसी पर बीजेपी काम कर रही है। देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लीकेज तो है, पानी तो मर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नवजोत जी। आप देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो क्या आई मीन जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या जिस तरह की भाषा का दूसरे जो नेतागण प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या उसी भाषा का भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शुरू कर रहे हैं? अगर पार्टी का स्टैंड ये है, इसलिए ये कहना कि भाई जो है आलोचना नहीं करे, आलोचना शब्दों से नहीं होती है, आलोचना का तरीका जो है वो डिसी और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी का स्टैंड डिसिप्लिन की जो है पार्टी डिसिप्लिन है, इसलिए पार्टी के डिसिप्लिन के बाहर
इसलिए उन्होंने बता दिया, इसलिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इनकी इनकी जो भी जो भाषा है उसके उसके ऊपर हमारी पूरी नजर है। तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो भी बात है वो उसको उसको पब्लिक करके ही हमारे ये पार्टी का अंदरूनी मामला भी है, उसके बारे में बता दिया गया हमारे साथ कांग्रेस है। सुनीता जी, आलोचना तो होती ही शब्दों से है, कार्रवाई जरूर लिखित में होती है जी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के कुछ लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हरियाणा के जाटों को लेकर गए और वहां जाकर एक आश्वासन दिया गया कि हम आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम ये रिव्यू पिटीशन डालेंगे, तो वो आप सुनिए, आप सुनिए, तो वो किया, आप सुनिए, पार्टी ने कहा तो वो किया भी, सुन लो ना जी जी। उसके बाद आपके किसी सांसद की इतनी हिम्मत कैसे रह गई कि वो आपकी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जा रहा है? निश्चित तौर पर जो अभी आर्या साहब कह रहे थे, पार्टी की ड्यूअल पॉलिसी है कि आप जाटों की बात करते रहो, आप गैर जाट की बात करते रहो, दोनों दोनों लड्डुओं को अपने पाले में रख के रखो, इस तरीके से समाज के अंदर भेदभाव पैदा करके, मतभेद पैदा करके आप भविष्य के जो सपने आप देख रहे हो ये अच्छे नहीं है। इससे इससे समाज के अंदर आप केवल टकराव और बिखराव पैदा कर रहे हो। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आवाज कम आ रही है आपकी, सुन रहा हूँ मैं। आपकी आवाज क्लियर आ रही है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जाट आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहेंगे? राजकुमार सैनी भी जंतर मंतर का रुख कर चुके हैं और जाट भी और जंतर मंतर पर नजर आए, क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी पार्टी का रुख बड़ा स्पष्ट है। हमने इनको आरक्षण दिया था और हमने ये महसूस करके आरक्षण दिया था कि ये डिजर्व करते हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये सोच के हमने श्रीमती सोनिया गांधी ने ये फैसला लिया था कि इनको आरक्षण देना चाहिए और हमने आरक्षण दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए जी। दिनेश जी, हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं कि आपने उनको दिया था, आपने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया, कानून क्यों नहीं बनाया उसको? देखिए, आपने लोकसभा राज्यसभा से पास करा के आपने कानून क्यों नहीं बनाया और नोटिफिकेशन भी आपने चुनाव से ठीक पहले जारी किया? जिस तरीके से आपने सूचना का अधिकार, आपने उसका राइट टू एजुकेशन या राइट टू फूड आपने ये जब दिए, ये सब आपने आखिरी साल में ही किए आपने। हर चीज का समय होता है, वोटों की राजनीति के लिए समय होता है। क्यों केवल और केवल केवल और केवल जाट समुदाय की वोट लेने के लिए उनके साथ ज्यादा कर रही है? आज तो आपने समाज को दो धड़ों में बंटवा कर आमने सामने खड़ा कर दिया, उनमें लड़ाई पैदा करवा दी आपने। राजकुमार सैनी ने बंटवाया दो धड़ों में, हमने नहीं बंटवाया। राजकुमार सैनी तो दोषी है, उनसे ज्यादा दोषी आप भी है। हम दोषी बिल्कुल नहीं है, हमने न्याय किया था। मैं कह रहा हूँ, अरे जाटों को मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम भी हक में, मिलना चाहिए, लेकिन उसको अगर आप कानून बनाकर देते, जब केंद्र के, सुनिए, केंद्र के पास 31% की रिजर्वेशन का अधिकार है, 27% आप दे चुके, 4% बचा हुआ है, आप चाहते तो आप भी दे सकते थे और चाहे तो आज की वर्तमान सरकार बचे हुए 4% में दे सकती है, लेकिन ना आपकी मंशा थी जाटों को आरक्षण देने की, ना भाजपा की मंशा है, केवल और केवल वोटों के लिए आप जाटों को इस्तेमाल करना चाहते हो। देखिए, हमने दिल से इनका समर्थन किया है। कहाँ किया आपने? आपने कानून क्यों नहीं बनाया इसको? हुड्डा साहब, आपने नोटिफिकेशन जारी किया, आप लोकसभा राज्यसभा से इसको कानून क्यों नहीं बनाया? 4% अभी बचा हुआ है आरक्षण, उसके अंदर आप जाटों को अलग से आरक्षण दे सकते थे, व्यवस्था कर सकते थे। मेरा कहना यह है कि आपने, एक मिनट सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा, बताइए हुड्डा जी। देखिए, हमने समय अनुसार किया है। हाँ, तो समय वही है ना, समय पर कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, समय पर ही तो सवाल उठ रहे हैं कि जिस समय पर आपने किया वो समय ही ऐसा था। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, लोगों ने आवाज उठाई थी और हमने महसूस किया कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हमने आरक्षण दिया, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हुड्डा जी, ये आवाज 20 साल पुरानी है। वही बात, उसी बात कह रहा हूँ, 20 साल पुरानी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अनिल आर्य बोल रहा हूँ। अभी आजाद सिंह जी, जो हमारे जाट नेता बैठे, वो कह रहे थे कि जाटों की महिलाओं को जेवड़ी बांधने दी जाती थी 1947 से पहले, जाटों का जो सिचुएशन थी या महाराज सूरजमल के साथ क्या हुआ, तो इसका मतलब यह है कि जाट तो कभी से भी इस स्थिति में नहीं थे कि उनको आरक्षण ना मिले। तो फिर आपने पहले क्यों नहीं सोचा? आपकी सरकार 47 से आज तक सरकार आपकी रही है,
तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2014 में अपना आरक्षण दिया, अब तक कहां सोते रहे कांग्रेस? चलिए क्विकली जवाब दीजिए, ब्रेक लेनी है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, देखिए जब जब जिस चीज की डिमांड होती है उसके हिसाब से काम होता है। आज आंदोलन शुरू हो गया, लोगों ने महसूस किया। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, प्रशासन ने क्या महसूस करने में? हाँ, वही तो सवाल बड़ा है कि महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस कर लिया, और जब सियासत में नहीं रहे तो तब महसूस नहीं कर रहे। चलिए इस चर्चा को जारी रखेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बने रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे कुछ सवाल करने। लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्यों में आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना, सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। किसी की नजर ना लगे, देखो किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ, सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से, ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितने खेत मेरे कटे सरताज जिप्सम वाले, 100 से 125 क्विंटल गन्ना ज्यादा निकले जी। मोटा तंदुरुस्त बढ़िया, आगा भी सबसे यही, अपने बच्चों से भी कहूंगा जी, सरताज जिप्सम बगैर गन्ना नहीं बोया। सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। गर्भावस्था के दौरान बच्चे की बढ़ोतरी का पता करने के लिए और माता के स्वास्थ्य के लिए हर गर्भवती महिला की 3 प्रसव पूर्ण देखभाल एवं चिकित्सीय जांच जरूरी है। पैदा होते ही है हेपेटाइटिस भी लगवा देना, पीलिया और लीवर के कैंसर से इसे छुटकारा देना, 24 घंटों में इसको पोलियो के ड्रॉप्स देना, बीसीजी 15 दिन में टीबी से मुक्ति देना, सूजन बुखार है आना पर इनसे ना घबराना, ये टीके है इसका भगवान, बच्चा बनेगा बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी जमीन में 100 अधिक है, सरताज जिप्सम डालने से उसे जमीन में फसल बहुत अच्छी हुई, जिसका रिजल्ट पहले 70 मन की एवरेज आती थी किले की, लेकिन अब 80-85 मन की एवरेज आने लगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त।
जाती है कि जाती नहीं, ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि कब इसको लेकर सोच बदलेगी और कब जाति के आधार से ऊपर उठकर आरक्षण का आधार आर्थिक या फिर कुछ और हो पाएगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या कहना है अनिल आर्य जी? देखिए, मैं तो हर बार इस बात को कहता हूँ कि जिस वजहों से आरक्षण दिया गया उस आरक्षण का लाभ आज क्या हुआ, आज परिस्थितियाँ क्या है, 1947 की परिस्थितियाँ क्या थी और आज की परिस्थितियाँ क्या है, इन सब पे एक समीक्षा होनी चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है, जैसे धारा से 370 से कश्मीर को क्या लाभ हुआ है नहीं हुआ, इस पे समीक्षा करने से लोग डरते हैं, ये वजह आरक्षण की है। क्योंकि वोट बैंक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, आरक्षण पे आपने कोई बात की, आपका वोट बैंक किसका, आपने SCBC की बात करेंगे तो वोट बैंक किसका, नहीं कोई बादी जुड़ने की बात है तब दिक्कत है, वही अब हो रही है। मेरा मानना यह है कि पूरे के पूरे आरक्षण के विषय को एक रिव्यू होना चाहिए, एक आलोचनात्मक समीक्षा होनी चाहिए कि किसको लाभ मिला किसको लाभ नहीं मिला। आप आरक्षण दीजिए, निश्चित तौर पर दीजिए, जिनको आरक्षण की वास्तव में जरूरत है, चाहे वो जाट हो चाहे वो गैर जाट हो चाहे वो SC हो चाहे BC हो, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात, जिस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि जिस परिवार को आरक्षण मिल गया उसको आरक्षण का दोबारा लाभ नहीं मिलना चाहिए, या एक दो पीढ़ी को लाभ मिल जाए तीसरी को नहीं मिलना चाहिए, तब तो यह है कि उसी वर्ग विशेष के जिनको आरक्षण नहीं मिला इस पर भी कोई सहमत नहीं, इस पर भी कोई सहमत नहीं है। हाँ, दिक्कत वोट की है। अनिल आर्य जी ने जो बात कही है मैं 100% सहमत हूँ इस बात से। वास्तव में आरक्षण का लाभ अगर सभी को मिलता है और विशेष तौर पर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर जो स्थिति आज अन्नदाता की है, अगर वो आरक्षण मांग रहा है और उसको आरक्षण मिल रहा है तो इसके अंदर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। परंतु जब सरकार के पास 4% आरक्षण बचा हुआ है तो सरकार उसमें से देने का काम करे, ना कि किसी दूसरे का काटने का काम। सुनीता जी, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बिल्कुल स्पष्ट व्यू है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे जाट नेता लोग, हमारे भाई, हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिले और उन्होंने उनको आश्वासन दिया, उसके तहत आपका स्पष्ट नहीं है। आप बोल रही थी तो स्पष्ट नहीं है, आपका तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप देखिए, INLT पार्टी का तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप लोगों ने, आप लोग आज रोज जाटों के, आप लोग तो बिन पैंदे के लोटे की तरह रोज अपना व्यू प्रॉन्ट व्यू बदलते हैं। जातपात की बात, ऐसी बात मत कीजिए। आप मैं कह रहा हूं, आपके लोग जो है जातपात की बात, बिल्कुल आप लोगों की सरकार के संविधान में देखिए कसम खा रखी है। अग्रवाल साहब, अगर यही बात करेंगे ना नवजोत जी, इनकी 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 सरकार थी, इनकी सरकार ने आज कम से कम, हम ये बात तो मानेंगे कि हरियाणा में जो है वो रिजर्वेशन है जाटों की, आजाद जी आप भी मानते होंगे इस बात को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बरकरार रखा। क्या इनकी सरकार को उस समय ध्यान नहीं आया? इन्होंने क्यों नहीं किया ये? आज आप बात करते हैं उनकी, जाने दीजिए अग्रवाल साहब, आप रोटियां मत सेकिए, वोटों की, वोटों की, वोटों की, हमने समाज के अंदर बंटवारा पता नहीं किया। अगर आप लोगों की तरह, आप तो समाज को बांटना चाह रहे हो, आप लोगों का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। आज आप जनता दल में हैं, आज आप, आज आप INLT हैं, आज आप कुछ हैं, आज आप कल कुछ हैं, आपका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। तो मैंने पहले आपको बता दिया, आप भी जनसंघ होते थे, फिर जनता पार्टी बन गए, फिर भाजपा बन गए, आप लोगों से आगे का नहीं पता, आगे क्या बनने जा रहे हो आप? मुख्य मुद्दा पीछे क्यों छोड़ रहे हो? नहीं, जो ये बात करते हैं, ये आज उनके शुभचिंतक बन रहे हैं तो ये क्यों नहीं कहते ये बात? नहीं, हम शुभचिंतक, हम आपकी तरह वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे। आप किसकी राजनीति करते हैं? आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, आप दोनों समुदायों को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। कोई लड़ाने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जाट हरियाणा में पिछड़ रहा है, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आप लोगों की तरह कहाँ खड़े हो? अगला व्यवहार नहीं कर रहे हो। 4% आपके पास है, आप दीजिए ना उसमें से। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है अच्छी तरह से, और जो भी माननीय न्यायालय का अरे आप लोगों का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, बिन पैंदे लोटे की तरह। बिन कौन बिन पैंदे का लोटा है? INLT की पार्टी, INLT पार्टी बिन पैंदे का लोटा। हम भाजपा की तरह गलत राजनीति नहीं करते। आप जब विपक्ष में होते थे तो आप गलत का भी विरोध करते थे, आप सही का भी करते थे। हम सही बात का विरोध नहीं करते, हम जनता के हित का ध्यान रखते हैं। जो बात जनता के हित में है उसे समर्थन भी करते हैं। हम आपकी तरह दो राजनीति नहीं करते। हमें तो जो अब जो भी आया एक ठोकर मार के चले गया। हमारे साथ तो मतलब ये है कि इतना दुर्भाग्यशाली हुआ है कि कभी भी जब 10-12% या 5% या 6% बैकवर्ड कंसिडर, जब भी वो नहीं किया गया।
किसी ने हमारी सुरक्षा के लिए तो कोई प्रयास कभी आज तक हुआ ही नहीं सीरियसली। आज जैसे मतलब ये बीमा योजना पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन वो मतलब ये ठंडे बस्ते में चलेगी पता नहीं कहाँ गई। आप देखिए ग्राउंड लेवल पे एक दोबारा से अब चलो करिए। हाँ जी, इससे अच्छी योजना नवजोत जी, मैं कह रही हूँ कि किसी जिंदगी में नहीं हो सकती कि 12 रुपया साल का देके और कोई 2 लाख रुपए का क्लेम कर सकता है। आज तक कभी किसी ने इतनी गरीब लोगों के बारे में सोचा? किसी ने भी सोचा? अभी अग्रवाल जी एक मिनट, मैं ये कह रहा था मैम जी कि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि जैसे ये अग्रवाल जी कह रहे थे कि अपने आर्य जी कह रहे थे कि मेरा कहना तो ये है कि ये आर्थिक आधार की जो बात करें, ये पुनर्समीक्षा की बात जो कह रहे हैं, मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं। लेकिन हमारा बैकलॉग हमें एट पार तो ले आइए, हमें भी उस लाइन में खड़ा कर दीजिए, फिर समीक्षा करते रहिए। बहुत अच्छी बात। आपको समीक्षा में 20 साल लगेंगे, आपको 30 साल लगेंगे, आज 70 साल लग गए, और 70 और लग गए तो इतने मैं आपको फिर एक बार एक और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आपको, मतलब ये समाज के, ये अगर इस समाज को आज ये ऑक्सीजन नहीं मिली, मैं निश्चित तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं कि जैसे 500 रुपए की बात करें है ना यार, मैं ये खुद ही इसमें बल्कि एक बात मैं और जोड़ूंगा कि जिस तरीके से नवजोत जी आपने बार बार दिखाया, हरियाणा में 50 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या केवल इसलिए कि भाई उसकी फसल बिगड़ी, वो कर्जे के बोझ में पहले दबा हुआ था, फसल बिगड़ गई। अगर यही हालात रहे और इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो आगे 500 नहीं आपको आत्महत्या 5,000 भी दिखाई देंगे। एक सबसे बड़ी दुख की बात, इस जाति को आरक्षण की आज जरूरत है, इस देश को सैनिक चाहिए। आप क्या सोचते हैं भूखा पेट कोई मतलब सेना के लायक बनेगा? बच्चा नहीं मिलेगा। एक बात, चाहे मुगल राज्य रहा, चाहे अंग्रेज राज्य रहा, चाहे 70 साल का मतलब ये 1947 में कश्मीर के साथ पाकिस्तान ने छेड़छाड़ की, चाहे 1962 में चाइना ने की, चाहे 65-71 में पाकिस्तान ने छेड़छाड़ की, यदि प्रतिशत जाटों का मरने वालों में जाकर ज्यादा ना हो तो आपका जूता हमारा सर, मरने वालों में शहीद वो साध्य देने में। एक बात, दूसरी बात यह है कि जितनी इस देश की आज तो ज्यादा एरिया के अंदर पैदावार होने लगी, आप ध्यान करिए जितने एरिया में 20 साल 25 साल पहले प्रचुर मात्रा में बफर इसमें सेंटर पूल में गेहूं और धान देने वाला जो एरिया था उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जाट एरिया थे, या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश देता था या पंजाब हरियाणा देता था, उसमें केवल जाट। मेरा दुख की बात तो ये है कि मतलब पेट हमने भरा और आज भी भरने के लिए, लेकिन आज तो हमारा ही खाली हो गया, दूसरे का कैसे भरेंगे? या तो हम बेच के मतलब ये है कि हम सल्फास की गोली खा ले, या मतलब ये है कि भाई जमीन को बेच के भाग जाए तो मजदूरी के लिए भी रास्ता नहीं है, हमारी ये भी गारंटी नहीं है कि हमें मजदूरी मिल जाएगी। अच्छा चलिए ये बताइए कि अभी जब बीजेपी सरकार या बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, क्या उस बात से आपको तसल्ली नहीं है? जो अभी 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 भी आप सड़कों पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए राजकुमार जी ने को मुझे ये सिर्फ एक बात बता दीजिए, आप राजकुमार सैनी जी को क्या आवश्यकता पड़ी थी? अच्छा राजकुमार सैनी ने प्रोटेस्ट किया तो आपने उसके प्रोटेस्ट में ये प्रोटेस्ट किया? अगर मतलब मेरा कहने का नहीं, हमारा तो ये अधिकार है, हमारा तो ये कहना है कि अकेले राजकुमार सैनी के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। मेरा तो सिर्फ ये कहना है उनको तो आवश्यकता थी ही नहीं कि उनको तो कुछ मतलब ये है कि ये कैसे सोच रही है ये मेरे को मारेगा। अरे भाई भले आदमी, मतलब ये है कि ये सरकार का संविधान का काम है, उस आयोग मंडल आयोग के टाइम से पहले कितना का आपको रिजर्वेशन मिला था? मंडल आयोग के टाइम पे हम भी उसी कैटेगरी में थे, आप भी उसी कैटेगरी में थे, हमें इग्नोर किया गया। गुरनाम सिंह आयोग के टाइम पे हमें दिया गया, फिर इग्नोर कर दिया, राजनीतिक कारणों से भजनलाल जी की सरकार आई, उन्होंने मतलब फिर इग्नोर वो निकाल दिया। अब आया, अब मतलब ये है कि सरकार की तरफ से कहीं न कहीं इसमें कानून में या कहीं न कहीं वो चूक रही है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। एक छोटा सा सवाल है जी सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन के बाद भी जी सर जाट आरक्षण के खिलाफ फैसला दे दिया जी, तो जाट संगठनों का रुख क्या होगा? पहले तो सरकार के से बात करेंगे, क्यूरेटिव के जैसे उस दिन बात हुई थी माननीय अमित शाह जी ने भी और माननीय प्रधान जी ने, अमित शाह जी ने डिटेल में ये बताया था कि जी देखिए मतलब ये है कि आमतौर पे जो रिव्यू पिटीशन होता है उनमें वही जजीज होते हैं और फैसले में कोई ज्यादा बड़ी उम्मीद कम होती है,
तो उसके बाद क्यूरेटिव का रास्ता है और उसके बाद और भी अगला रास्ता है सरकार के पास है, मतलब ये है कि बहुमत सिक्की सरकार है तो वो भी रास्ता है, लेकिन मतलब जो भी तो रास्ता आप वही बात क्यों नहीं कर रहे जो दिनेश अभी कह रहे थे कि 4% का कोटा अभी सरकार के पास बाकी है आरक्षण का, तो आप उसके ऊपर जोर क्यों नहीं दे रहे बजाय राजकुमार सैनी एबीसी इन सब बातों को करने की बजाय। राजकुमार एक मिनट में आ जाइए, तमाम जो जाट समुदाय के जो प्रतिनिधि है नेता है संगठन है वो सरकार पे इस बात का दबाव क्यों नहीं देते कि जो 4% आरक्षण का कोटा बचा हुआ है उसमें आपको तुरंत राजकुमार सैनी का जो ऐतराज है वो इस बात का ऐतराज है कि 27% में ना मिले। हाँ, और इस बात सिर्फ राजकुमार सैनी नहीं, आपने इलेक्शन में भी देखा होगा, इलेक्शन से पहले भी हम जितने लोगों से बात की जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको इस बात की बड़ी आपत्ति थी। वो कह रहे हमारे आरक्षण से आपत्ति नहीं है, हमें ऑब्जेक्शन इस बात का है कि राजकुमार सैनी ने ये बात कही कि मुझे आपत्ति इस बात पे है कि जाटों को आरक्षण ले मिलो, लेकिन हमारा हक छीन के उनको ना दिया जी। चल जल्दी से जवाब लेते हैं जाजी आपसे। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक बहुमत की सरकार को यह अधिकार है जहां उचित सब जैसे जो उचित लगे वहां उसको आरक्षण दे, उसको मतलब ये है कि सपोर्ट दे। हाँ, तो फिर यही जो एक बार जैसे आप कह रहे हैं कि वे 4% आज हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन देखा है उसमें हमने ये भी ऑप्शन दिया, हमने तो मोटी सी बात ये है कि वो एक जाट के लड़के की शादी थी और लड़का लड़की की शादी थी और वो कहने लगा पंडित जी पूछने लगा कि भाई ये इनको फेरे जो है सनातनी रीति रिवाज से किया जाए या आर्य रीति रिवाज से, तो वो जाट ने बड़ा सीधा सा कहा कि भाई हमने तो छोरी नहीं छोरे की बहू बना दे, तो हमारा तो बड़ा सीधा सा साहब है कि हमें आरक्षण चाहिए, ऑक्सीजन दे दीजिए चाहे कॉस्ट किसी भी तरीके से, आप ऑक्सीजन दो, प्रावधान जो संविधान के अंदर दे। चलिए बेहतर, बीजेपी इसके लिए तैयार है, यही बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी को पता है ये हमारे पास ऑप्शन है तो बीजेपी अभी तक क्यों घुमा रही है, क्यों इनको सड़कों पर ला रही है, क्यों इतना लंबा खींच रही है? बहुत बहुत ही कम शब्दों में, प्लीज, वक्त की कमी। नवजोत जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ जो जाट नेता है वो लोग हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है उनसे मिल रहे हैं और उनसे उसके बारे में सारी चर्चा भी चल रही है, जैसा कि आजाद जी ने बिल्कुल आपके सामने क्लियर कर दिया कि अमित शाह जी ने इनको सारी बातें बताई हैं कि कैसे कि जो अभी जो रिव्यू डाला है उसमें क्या हो सकता है, उसके बाद जो क्यूरेटिव होगा उसमें क्या हो सकता है और उसके बाद भी क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारी पार्टी उस चीज के लिए तैयार है कि स्टेप बाय स्टेप इन चीजों का नहीं कह रहे कि हम इनको कानून बनाकर आरक्षण दे देंगे। आर्य जी, वो जैसा कि हमारे नेता जी भी कह चुके हैं, ये उनकी उनके हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत चल रही है इस मामले में और उसके हिसाब से वो बात कर रही है जी, नाराज नहीं करना चाह रही या फिर उन्हें होल्ड पे रखना चाह रही है या इसमें भी कोई सियासी खेल है। दिनेश जी, बहुत ही क्विकली एक लाइन में, मैं मुझे तो एक बात समझ आती है, आज जिस तरीके से 25 सितंबर का अल्टीमेटम दिया गया है, अल्टीमेटम की जो भाषा है 25 सितंबर की, शायद कहीं ना कहीं अभी जाट नेताओं को यह लगता है कि हमें हमारा हक ये सरकार देगी, लेकिन इस सरकार की मंशा नहीं है इनको हक देने की। अगर मंशा होती तो लोकसभा में बकायदा बिल लाए और सारा देश इनके साथ खड़ा है। अग्रवाल अंतर्यामी है या ज्योतिषी है, मुझे लगता है देश के अन्नदाता है, इनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अनिल आर्या जी, वन लाइन कि अगर बीजेपी को पता है हमारे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन दे भी दी गई है, फिर भी हम इतना लंबा रूट अगर अपना रहे हैं और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वक्त नहीं आया कि बीजेपी करे, बीजेपी करेगी। हाँ। अभी रिपिटिशन की बात करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थोड़ा सा लंबा खींचेगी, फिर उसके बाद जता के सुप्रीम कोर्ट से अगर बिल्कुल खारिज हो गया तब तक यूपी के चुनाव बहुत पास आ जाएंगे। हाँ। और मुझे लगता है कि तब शायद बीजेपी कुछ करे, इससे जाट भी खुश हो जाए और जो सत्ता वोट बैंक की राजनीति है वो भी इनका। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बात वही है जिस तरह से कृष्णमूर्ति हुडा ने जवाब दिया था कि जब वक्त आया तब हमने कर दिया, तो क्या बीजेपी भी उस सही वक्त का इंतजार कर रही है? ये है आरक्षण का सियासी आईना जो आपके सामने लाकर रखा। उम्मीद है आप भी इस आईने में स्पष्ट रूप से एक नया सियासी रंग जरूर देख पाए होंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।